नमस्कार, स्वागत आप सभी का वेदर अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश टाटी और वेदर अपडेट में जानेंगे कि आज का मौसम का हाल कैसा देखने को मिल रहा है। आज की वेदर रिपोर्ट क्या कहती है कि आज मौसम कैसा देखने को मिल सकता है। कल को हमने देखा था कि बीते सत्र में बारिश ने दस्तक दी थी NCR में, तो आज बारिश होगी या नहीं होगी, कितनी ठंड बढ़ेगी घटेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज के मौसम के हाल में। तो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता ने दिल्ली NCR के मौसम के मिजाज को पूरी तरह से बदल दिया है। बृहस्पतिवार को दिन भर हल्की बूंदाबांदी और शाम को हल्की बारिश ने दिल्ली NCR में ठंड में इजाफा किया है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का पहाड़ी राज्यों में भी नजर आने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आगामी एक सप्ताह तक तकरीबन रोजाना आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान ठीक ठाक बारिश होने का भी पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में एक सप्ताह तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही बारिश के चलते और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के प्रभाव से दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री तक जा सकता है और इससे ठंड में जोरदार इजाफा भी देखने को मिल सकता है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह से शीतलहर के चलने के भी आसार नजर आ रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 2 दिनों तक शहर में हल्का सा मध्यम कोहरा छाया रहेगा। वहीं आज शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक के अनुसार शुक्रवार के लगातार तापमान में गिरावट होगी। इसके बाद 5 और 6 दिसंबर को दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इसके चलते बारिश होने और बर्फबारी के कारण दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आकर 8 से 9 डिग्री तक आ जाएगा। मौसम विभाग की माने तो एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते बारिश होने के बाद दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ठीक ठाक ठंड होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा उत्तरी हिमालय से आने वाली शीत हवाएं दिल्ली की ठंड को भी बढ़ाएंगी। वहीं आने वाले दिनों में दिल्ली NCR में कोहरा भी परेशान करने वाला है। बताया जा रहा है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में कोहरा धीरे धीरे घना होने लगेगा। खासकर सुबह के कुछ घंटे कोहरा वाहन चालकों को ज्यादा परेशान करेगा। वहीं बंगाल की खाड़ी में पैदा हो रहे एक चक्रवाती तूफान जवाद, इसके एक्टिव होने से दक्षिण बंगाल के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। एक रक्षा अधिकारी ने इस बारे में कहा है कि तट रक्षक ने समुद्र में जान माल की सुरक्षा के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जहाजों और विमानों को मौसम के बारे में चेतावनी देने के कार्य में लगाया जा चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बोला है कि उसने तटीय क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम और राज्य आपदा मोचन बल की 2 टीम तैनात करने का निर्णय कर लिया है। साथ ही निचले क्षेत्रों में रह रहे लोगों को दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। जानते हैं कि कितना खतरनाक है ये चक्रवाती तूफान जवाद। मौसम विभाग ने बोला है कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न वायु दबाव के गहरे अवदाब में तब्दील होने और जिसके उपरांत चक्रवाती तूफान का रूप धारण करने का अनुमान है। जहां शनिवार को पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, उत्तरी आंध्र प्रदेश तट, दक्षिण ओडिशा तट शनिवार सुबह पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि इसके प्रभाव से शनिवार को पूर्वी मिदनापुर में 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी, जबकि पश्चिमी मिदनापुर, झारग्राम और हावड़ा में भारी वर्षा होने का अनुमान है। अब बात करेंगे कि इस तूफान को ये जो नाम है जवाद, ये क्यों दिया गया है। जहां इस बात का पता चला है कि सऊदी अरब के सुझाव पर इस तूफान का नाम जवाद रखा गया है। जवाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ उदार होता है। बोला जा रहा है कि पहले आए चक्रवाती तूफानों की तुलना में ये चक्रवाती तूफान अधिक तबाही नहीं मचाएगा और जिसका आम जनजीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं होने वाला है। हालांकि IMD यानी भारतीय मौसम विभाग ने बोला है कि 4 दिसंबर की सुबह हवा की गति अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रह सकती है। तो
कुछ ऐसा रहने वाला है आज के मौसम का हाल। कल भी बारिश देखी है और आज भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बारिश बनती जरूर नजर आ सकती है, जैसे हमने आपको अपनी इस बुलेटिन में बताया। फिलहाल अभी के लिए वेदर रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट एम्स से भी पर।